सर अब जब फाइनली द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ द ओरिजिनल हेड ऑफ द टेबल रोमन रोम का रिटर्न हो चुका है WWE में जिसका गेम इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे थे और एक काफी बड़ा रीजन भी था वेट करने का क्योंकि उनकी एब्सेंस में उनकी जगह कोई और लेना चाह रहा था ऑब्वियसली मैं फेक लल्लू पंजू ट्राइबल चीफ की बात कर रहा हूँ कुछ भी बोल लो बंदा बड़ा हरामी ऑल दो से पता था खुद रोमन ने बताया था कि यार मेरे बाद ट्राइबल चीफ तू ही होगा उन्होंने जे ओसो को नहीं बोला उन्होंने जिमी ओसो को नहीं बोला सोलो सिकोह को हैंड ओवर की जाने वाली थी वो चीज लेकिन ना भाई पेशेंस लेवल जीरो हमको तो बनना है

लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं उस चीज में अब जब सोलो ने अपने साथ के न्यू मेंबर जोड़े हैं, तो उनका सिंगल मैच होना होता ना अगेंस्ट तब तो चलो बात भी बनती हाँ, चीफ था, सोलो उसका लिया, वापिस आ गया रोमन को अपना स्पॉट वापिस चाहिए इन दोनों का मैच करवा दो जो जीत गया उसे ट्राइबल चीफ पोजिशन मिल जाएगी लेकिन इतनी सिंपल चीजें नहीं कि रोमन और सोलो का मैच नहीं होगा डेफिनेटली ये तो होगा ही होगा बट जो मेगा मैच है जिसके लिए डब्ल्यूब्ल्यू ने सारी चीज बिल्ड की है वो एक वॉर गेम्स मैच होने

ये तो ओरिजिनल ब्लड लाइन फॉर्म हो गई लेकिन ऑब्वियसली वर्सेस मैच तो करवाई गई नहीं ये तो कहीं से भी बनाती चीज तो अब बचते हैं बाकी के दो सुपरस्टार्स तो कौन होंगे वो बाकी दो सुपरस्टार्स स्टार तो मुझे लगता है कि ये इतना मुश्किल है पता करना क्योंकि हमें बस वो सारे सुपरस्टार्स स्टार्स निकालने जिन्हें की न्यू ब्लड लाइन से प्रॉब्लम है न्यू ब्लड लाइन ने जिनके साथ पंगे लिए थे और जिनकी कहीं ना कहीं हिटेड ड्राइवलरी रह चुकी है इनके अगेंस्ट आई नो पहले दो नाम तो आपके मन में वही आए होंगे जो मैं सोच रहा हूँ करेंटली एक तो रैंडी ऑर्टन और दूसरे ऑब्वियसली हो सकता है कि ये दोनों सुपरस्टार्स की फैक्शन में अलाइन हो जाए ताकि